झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां 300 करोड़ से ज्यादा रुपए मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड सांसद धीरज साहू का पुतला दहन कर नारेबाजी की और कहा केंद्र की भाजपा सरकार एक एक भ्रष्टाचार को उजागर करेगी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां छापे में 300 करोड़ रुपए मिलने के बाद देश भर में धीरज साहू का विरोध हो रहा है। भोपाल में भी भाजपा ने कांग्रेस सांसद का पुतला जलाया। भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने कहा कि कांग्रेस का मतलब ही भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि धीरज साहू ये बताएं कि ये पैसा आपने शराब से कमाया है या फिर टैक्स चोरी कर कमाया है, ये पैसा और किस किस को और कहां कहां दिया है, क्या ये पैसा सोनिया गांधी, राहुल गांधी या खड़गे को दिया जाना था। केंद्र सरकार एक एक भ्रष्टाचारी को उजागर करेगी और सलाखों तक पहुंचाएगी। देखिए, आप लोगों के भी ध्यान में आया कि झारखंड में कांग्रेस के सांसद के यहाँ छापा पड़ता 200 करोड़ से ऊपर के पैसे बरामद होते हैं। नोट गिनने वाली मशीन भी थक गई नोट गिनते गिनते। धन्य केस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, धन्य केस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनके कारण पता चल पा रहा है कि इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी इस देश के अंदर हैं। सांसद जी बताइए, ये पैसा शराब बेचने से आया, कर चोरी करने से आया, और आखिर ये पैसों की रकम आप और किन किन को देते हैं? सोनिया जी को देते हैं, राहुल जी को देते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को देते हैं? क्या मध्य प्रदेश में भी आपने पैसा भेजा था? जनता आप सब लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में तो आपको धूल चटाई है, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी पूरे देश भर में आपको धूल चटाने वाली है। साहब, पूरी देश की जनता जानती है कांग्रेस का नाम ही घोटाला है। छत्तीसगढ़ में घोटाला, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी 2003 से पहले मध्य प्रदेश में घोटाला, जहां जहां गए राजस्थान में घोटाला। तो जनता जानती है कांग्रेस मतलब नाम घोटाला। अब वो तो जनता जानती है, जब चोरी करते पकड़ा जाओ तब षड्यंत्र, जनता सब जानती है साहब। इसलिए ये जो परिणाम जनता के द्वारा आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं, जनता जान चुकी कि मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश को अगर बचाना है, देश को विकसित बनाना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।